Hello, children. This is your online class of SST. Welcome to this class. Today, we will discuss lesson 7 the land of dense forests. Children, you know very well that the equator divides the earth into two equal halves, northern hemisphere and southern hemisphere. the region from 10 degree north to 10 degree south of the equator is called the equatorial region. this region receives maximum sunlight due to its position. now, climate of this region. this region receives the direct rays of the sun throughout the year and has days and nights of equal duration the humidity is very high because moisture evaporates from the rivers ponds plants to form clouds these clouds rise up become heavy with vapors and towards the second half of the day there is rainfall with thunderstorm

अपने लीव्स शेड करते हैं इट मीन्स यहां पर कभी भी ऑटम सीजन नहीं आता दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवर ग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर दीज फॉरेस्ट टॉल ट्रीज विच फॉर्म अ कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप द फॉरेस्ट इज सो डेंस

आर द डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इक्वेटोरियल रीजन में आते हैं और आप सबको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रही हूं जो आपके बुक में भी नहीं लिखा हुआ एमेजॉन रेन फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स कहा जाता है वाई बिकॉज दे एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर वाइल्ड लाइफ चिल्ड्रन एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं यानी कि हमेशा हरे भरे रहते हैं तो कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स यहां पर रहते हैं उनका घर है ये खासकर जो ट्री पर रहते हैं एनिमल्स जैसे मंकीज, चिंपांजी गोरीला फ्लाइंग फॉक्स एटसेट्रा एक्वेटिक लाइफ भी In the form of crocodile, alligator, turtle, fish, and others. Birds are also found here, and no doubt insects of a great variety are also found in the evergreen forests. Human life. इस रीजन में पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस ओनली अ फ्यू नोमैडिक ट्राइब्स लाइक द पिग्मीज़ ऑफ जाया सिमेंग्स ऑफ मलेशिया एंड कुबूस ऑफ सुमाट्रा लिव इन दिस फॉरेस्ट दे आर डिपेंडेंट ऑन फूड गैदरिंग हंटिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यहां क्या करते हैं लोग फॉरेस्ट के कुछ हिस्से को साफ कर लेते हैं और कुछ ही हार्वेस्टिंग सीजन में वो वहां पर कल्टीवेशन करते हैं और जब वहां की लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो नए रीजन्स में मूव कर जाते हैं मलेरिया इज द डेडलीस्ट डिजीज ऑफ दिस रीजन क्लियर चिल्ड्रन सो This lesson has been completed. Okay, bye. Take care.